हेलो दोस्तों, जय हिंद डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप देख और इस वीडियो में देखने वाले हो आप गोल्डन रिट्रीवर के पपी, जर्मन शेपर्ड और लैब्राडोर एंड एक ब्रीडर के पास किस टाइप के ब्रीडर के पास से लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए एंड क्या रीज़न है, वो सब अभी डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले आप देख सकते हैं कि इन बच्चों को मेरे पास ये फ्लोर होते हुए टाइल्स होते हुए मैंने इनको मैंने मैट पर रखा हुआ है। रीज़न क्या है, ये भी मैट पे रखा हुआ है, इसको मैंने केज पे रखा हुआ है मदर से अलग करके, इसके पीछे भी रीज़न क्या है वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हो। और हम सस्ते के चक्कर में कहाँ फंसते हैं वो भी इस वीडियो में आप समझने वाले हो। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आप देख रहे हो ये मैटिंग में है, बच्चे रह रहे हैं एंड इसके पीछे जो खास बात यह है कि इन फ्यूचर इन बच्चों के पैर ख़राब ना हो। पैर ख़राब ना हो से आप क्या, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे इस स्टेज में बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं, राइट, जब ये बच्चे क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं तो अगर ये चिकना सरफ रहा तो इस बच्चे को ग्रिप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट ग्रीन है, बहुत ग्रिप नहीं कर पाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, इनके पैर जो वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगे और इन फ्यूचर ये पैर ऐसे छोड़ करके ऐसे करके चढ़ेंगे और एक प्रकार का अपना जो है ये एस डी फॉल्ट है। और ये आ गया तो बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब है और जो ओनर है उसकी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई है। तो इस चीज़ के बारे में हो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखो साफ सुथरा दोस्तों इन्वायरमेंट है एंड मैट वाले रीज़न आपको समझ में आ गया। सो अगर आप एक ब्रीडर से नॉर्मल से फर्क क्या पड़ता है, अगर कई जगह देखा बच्चे माँ और बच्चे केज में होते हैं, केज में पैदा तो केज में ही मर जाते हैं। ये फुल्ली क्रॉस वेंटिलेशन है प्रॉपर दोस्तों, ये जो है अपना लेंटर हो रखा है ऊपर, देख सकते हो प्रॉपर लेंटर करवा रखा है और प्रॉपर एसी लगा हुआ है, राइट। ये कैबिन से इसमें फीमेल प्रेग्नेंट है, ये जो अपनी इम्पोर्ट डॉग से बिटिंग कराई थी अभी अपनी, ये देखो कलर देखो यार शानदार शानदार, ये कोई एडिटेड नहीं है, मेरा कलर भी देख सकते हो नेचुरल है तो ये एडिटिंग नहीं है। और क्या कलर है, ये सारे फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल इसके अंदर है, एसी वगैरह है, क्रॉस वेंटिलेशन का बड़ा ध्यान दिया गया, ये सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर ये बिटिंग फॉर्म है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको कोई जुगाड़ वाला सिस्टम नहीं मिलेगा, ये सब सेटअप जो है वो सारा का सारा इनके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, हवा यहाँ बिल्कुल फ्रेश आना चाहिए, वहाँ के एसी का वारा यहाँ से निकल जाएगा। स्पेशल किचन है वो दिखाता हूँ। उससे पहले ये गंदे बच्चे देखो, ये गंदे बच्चे केज में है, कुछ टाइम पहले ये माँ के साथ थे क्योंकि 37 डेज तक हम मिल्क फीडिंग कराते हैं, ये बच्चे हो गए 45 डेज के, अब ये खाना खा रहे हैं तो इसको मदर से अलग हमने कर दिया है। तो और मदर क्योंकि अब मदर भी साथ रहेगी तो वो अग्रेसिव हो गई और एक आधा अपने को कई बार वो काट भी लेती है, और भी बहुत सारे रीज़न है हम बाद में डिस्कस करेंगे। एंड केज में सकते हैं इसलिए क्योंकि ये नीचे खेलेंगे पैर खराब हो जाएगा, मैट में पोटमिशन जाएंगे और बच्चे गंदे हैं। ये गंदे बच्चे का प्रमाण क्या है कि ये बच्चे अभी बाहर ग्राउंड में खेल रहे थे, अगर ये हमेशा 24 घंटे केज पे रहते हैं तो इनके जो पैर वगैरह ये खराब हो जाएंगे और इतने गोलू मोलू हेल्थी पपी ये नहीं होंगे। सॉरी झटका लग गया था। तो इनकी ग्रोथ की जो पहचानी मेन क्या है कि बच्चे मिट्टी में सुबह से आराम दो दो घंटे खेलते हैं, इनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इनके ग्रोथ के लिए, राइट। अभी देख रहे हैं बच्चे चलना स्टार्ट कर रहा है। तो दीज भी अब ये इनको फीमेल से वैक्सीनेशन लग गया, नए घर जाने के लिए ये रेडी है, राइट। और बच्चे शरारती फुल ऑन है, ये आप देख सकते हैं, और बॉडी स्ट्रक्चर बहुत खतरनाक कैरी कर रहे हैं और सब ये मिल्की वाइट पपीज है, शाम को दिखाऊंगा आपको मुंगा पर, तभी साफ नहीं किया ताकि ये लगे लोगों को भाई कि बच्चे हमेशा केज में रहते, नहीं, एक प्रोसेस है स्विच करना, स्विच टू स्विच करना एक प्रोसेस होता है, राइट। इसे पानी ऊपर रखा है, पानी नीचे रखेंगे तो ये जो बच्चे बड़े हो गए, बच्चा पानी से छोटे छोटे जाता बट खाना भी खा लेते हैं, खाने मुंह मारती मदर क्या करती है, बच्चे पर अटैक करते हैं, कई बार बच्चे को नुकसान भी जाता, दांत भी लग जाता है, बड़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एक प्रॉपर ब्रीडिंग फॉर्म से लेने का प्लस पॉइंट बेनिफिट यही है, ठीक है ना। अगर कुछ लोग छत पर रखे हैं या बुरा हाल कर रखे हैं, आप देखते प्रॉपर लंबा स्पेस इनके पास घूमने के लिए, सफिशेंट वॉक कर सकती है आराम से, ये वॉक कर लेंथ पूरा वॉक कर सकते हैं, सफाई करना इसको अभी, ठीक है ना, आराम से इसी लगा हुआ। ये हमारा यूट्यूब का ये कैमरा का सेटअप वगैरह, ठंडा बिल्कुल एनवायरनमेंट, ये सारे कैमरे से कंट्रोल है। और अगेन एसी रूम, अगेन यहाँ पे एसी है, ये बाहर के बंदो किचन, आपको किचन दिखाता हूँ आपको मैं, और ये प्रो सेटअप है, ये बाहर के लोगों के लिए हवा घूमने फिरने के लिए लगा रखा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसलिए दिखा रहा हूँ, कई से लोग मेरे सब्सक्राइबर ये हस्की है, बहुत बड़ी गलती की बात बताऊँगा उसने आ गया और जिसका असर है उसको भुगतना पड़ा।
आप किचन दिखाता आपको दोस्तों। सो ये प्रॉपर इंटली किचन है, ये इन्हें खाना खाना बनता है, अंडे वगैरह हो गए, ये फोकस कर बच्चों को पिला रहा मिल्क, मे बी वर्क करता नहीं करता, देखते क्या होता है। तो एक छोटे से और ये मेडिसिन वी रोल मल्टीविटामिन बहुत तगड़ा है, पेट प्रोड्यूसर। कई लोग कहते हैं दोस्तों एक ब्रीडिंग फॉर्म से क्या मतलब होता है, मतलब 370-400 रुपये के एक है, आई थिंक 20-25 7-8 हज़ार का ये है, 4-5 हज़ार का 20-25 हज़ार के दोस्तों सप्लीमेंट है जो अवेलेबल है एक फार्म हाउस में और कैनल पे आपको मिल सकता है, राइट। या भी सारा सेटअप दे सकते हैं।